ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਾਈ। ਆਹ अपने बैरियोल तो की फिजाओं में आके जी मजा आ गया भाई। अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज जी मा व्लॉग्स। सो जी आज अभी हम जा रहे हैं माल्टा एयरपोर्ट पे। शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम जी, और उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे ड्रॉप करने आए हुए हैं यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल वापिस। तो जी आज का व्लॉग करते हैं माल्टा एयरपोर्ट से स्टार्ट। मैं एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और मैंने अपने जो बैग है जो मेरा 10 किलो का छोटा कैरी था वो मैंने बुक करवा दिया। लास्ट टाइम मुझे यह था कि मैंने कैबिन बैग है ये मेरा, लेकिन ये मैंने लगेज बैग बुक किया था टिकट के साथ, क्योंकि टिकट्स ऐसी होती हैं विदाउट लगेज होती हैं ये। तो मुझे 45 यूरो पोर्टो में पे करने पड़े, तो इस दफ़ा भाई हमने केयरफुल, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था और एक्साइटमेंट के साथ मैं आ गया बैग लेके। तो उधर उन्होंने कहा काउंटर पे आके मुझे, जी आपने जहाज़ में बुक करवाना था, टाइम ख़त्म हो गया है, तो 45 यूरो काइंडली निकालें, आपको ठेका लगाएं 45 यूरो का। तो ये छोटा सा एयरपोर्ट है माल्टा का, माल्टा का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी सिक्योरिटी चेक इन की तरफ जा रहा हूँ। ये रही जी ड्यूटी फ्री, चेक इन करवाने के साथ ही ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो जाती है। छोटा छोटा सा मुन्ना सा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है सर, कंट्री भी इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है, जजीरा ही है, और एयरपोर्ट ठीक है। ड्यूटी फ्री दिखा देते हैं आपको, ये माल्टा की ड्यूटी फ्री है जी। अगर माल्टा में आप शॉपिंग करना चाहें आएँ कभी, जो लोग माल्टा से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं पुर्तगाल की तरफ, ये उनके लिए व्लॉग है स्पेशली। कई लोग घबराते हैं जी ट्रैवलिंग कैसे करें कैसे नहीं करें, तो इजी है भाई, यहाँ पे ऑनलाइन चेकिंग कर लें, ऑनलाइन चेकिंग करके आपको कुछ भी चेक नहीं करते। रियान एयरलाइन की मैंने बुकिंग करवाई हुई थी, तो एयरलाइन को बताइए हम क्यों प्रमोशन करें उसका, खैर अब हमने नाम ले लिया तो उसको काट तो सकते नहीं है। ये चॉकलेट का सेक्शन है सारा, ये भी लो जी, ये भी ख़त्म होगी ड्यूटी फ्री भी, सब चीज़ छोटी छोटी है, छोटी छोटी। हम लोग ट्रैवल करते रहे ना बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर, खैर कोई नहीं, यूरोप में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी होते हैं। अभी स्पेन पहुँचाऊँ, यहाँ पे 2 घंटे का स्टे है और 2 घंटे के बाद फिर यहाँ से जो फ़्लाइट है वो है लिस्बन के लिए मेरी। अभी हमें बैग ले जाना है, बैग लेना अपना, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, आप वो खुद भाई गेट पर लोने लगा था, तो ये बैग उठाएंगे अपना और फिर दूसरे जहाज़ की तरफ जाएंगे, ज़्यादा स्टे नहीं है। अभी सीन ऐसा जी, मैं माल्टा से ट्रैवल करके सवीली पहुँच चुका हूँ। सवीली स्पेन का एक छोटा सा शहर है और एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा है, और बैड न्यूज़ ये है कि मेरी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 6 घंटे यहाँ से डिले हो गई और मैं जलील ख़ुवार हो गया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं, बड़ा छोटा सा मुन्ना सा एयरपोर्ट है, ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये इधर से है और ये पीछे आप नज़र देख ही रहे होंगे पीछे कितनी लेंथ है इसकी, वो छोटा सा एयरपोर्ट है बिल्कुल। अभी यहाँ पे एक लोकल बेकरी है, यहाँ से सोच रहा हूँ यहाँ से कॉफ़ी ले लूँ, यहाँ पर इनकी लोकल चीज़ें हैं और हलाल नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही मैं जो खा सकूँगा, कॉफ़ी पी सकते हैं। बाकी स्टक हो गया हूँ भाई, 6 घंटे फ्लाइट डिले है, 6 घंटे यहाँ वेट करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ डिपार्चर गेट से अंदर एंटर होते ही जो है ना, यहाँ पे सामने बिल्कुल काउंटर लगे हुए हैं चेक इन के, उसके बाद जब चेक इन करके आप सिक्योरिटी क्रॉस करके चले जाओगे तो भाई फिर वहाँ पे जाके आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और कैफेटेरियाज मिलेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं बनाए हुए ये। यहाँ पर टैक्सी और बस ड्रॉप करती है आपको और फिर यहाँ से दरवाज़ा साथ ही आप अंदर घुस जाते हो। जैसे आप अंदर जाओगे तो सामने बिल्कुल चेक इन आपको काउंटर नज़र आएंगे और उसके बाद जब चेक इन वगैरह कर लोगे, सब कुछ बुक बैग चेक जमा करवा दोगे, तो भाई फिर उसके बाद अगर है रेस्टोरेंट्स वगैरह कैफेटेरियाज में आपको दिखाता हूँ साथ चल के। इवन यहाँ पे बेंच भी नहीं है बैठने के लिए, लोग सारे आप पीछे देख सकते हैं कि नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, छोटा सा एयरपोर्ट है और 2 फ्लाइट्स यहाँ पर डिले हुई हैं। अब हमें भाई कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो हमें कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ, मैंने बाहर ट्राई मारी है कि बाहर शायद कोई पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं ना एयरपोर्ट्स के पास, तो वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स हो गए KFC वगैरह होता है, वहाँ से वो चीज़ लेके खा लेते हैं, लेकिन नहीं मिली। और अभी इसी बेकरी से हमें काम चलाना पड़ेगा। अब भाई कॉफ़ी तो हमने पी ली है, लेकिन अभी भी 4 घंटे बाकी हैं और हम क्या करें, जब आप क्या करेंगे अगर आप 6 घंटे एक जगह पे स्टक हो जाए, कमेंट में लाजम बताइएगा। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, एयरपोर्ट बड़ा छोटा सा, आपको क्या दिखाऊँ, यहाँ से निकलो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मेरा ख्याल है हमारे ब्लॉग्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम वो एडिट कर लेते हैं
हमारा काम भी डन हो जाएगा और हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। अभी भी जी 2 घंटे बाकी हैं बोर्डिंग स्टार्ट होने में। पीछे आप मेरे हालात देख लें कैसे हैं, लोग ज़मीनों पे लेटे हुए हैं, जगह है नहीं है। यहाँ पे टूर तो मेरा बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ये जो खुवारी है ना ये भी याद रहेगी। जिस चीज़ का डर सी वही हो गया ना, हूँ तो भाई मेरी थकावट और टोपी भी पुट्ठी हो गई है। ये फिर हो गया लिस्बन डिले, जो थी फ्लाइट थी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी। जैसे ही बोर्डिंग का टाइम पूरा हुआ उन्होंने कह दिया जी 1 घंटा और लेट है, यानी कि 6 घंटे के साथ साथ 1 घंटा बढ़ा के 7 घंटे कर दिया इन्होंने। हूँ तो लगता मैं बेंच लभने पैने पीछे सौन ली लेटने लिए, लक थक गया भाई मेरा। हूँ वो बंदे लेटे हुए ना, इस तरह मुझे भी अब लेटना पड़ेगा बेंचों के ऊपर। लो जी मैं तो लभ लिया भाई बेंच, हूँ सुकून नाल जरा ना रेस्ट करना है। मेरे लक च ना दर्द होने लग पी भाई, अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, सामान अपने पास रखना भाई। एयरपोर्ट पे कोई पता नहीं होता, कोई उठा के ना ले जाए हमारे, इतने ब्लॉगिंग के टूल्स हैं, इतने महंगे वाले टूल्स हैं। अब मैं रेस्ट करने लगा हूँ, आपसे मिलते हैं भाई लिस्बन पहुँच के। अब हिम्मत नहीं है व्लॉग रिकॉर्ड करने की, मुझे जी अभी लग रही है भूख। और आप देखें यूरोप के जो एयरपोर्ट होते हैं बड़े टाइम से बंद हो जाते हैं, और हमारे पास है कुछ कॉइन्स, और अब हम मशीन से कुछ मेरा चिप्स वगैरह ले लेते हैं। हमारे पास कॉइन्स भी भाई पूरे पूरे ही हैं, देखते हैं कौन से वाला निकलता है भाई। साडा की यूरो नकली है, अब हमने नंबर मिलाना है, चिप्स लेनी है हमने कौन से वाली, 5 7। ये रही जी हमारी चिप्स। कोई ना भरावा छोड़ दे मेरा भाई। 2 यूरो जो 2 का कॉइन था वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया मशीन ने। मेरा ख्याल था कि पानी की बोतल भी ले लेते हैं, कब कॉइन्स हैं नहीं ज़्यादा, चिप्स ही निकली है, इससे गुजारा करना पड़ेगा। अभी अंदर जाएंगे देखेंगे, बोर्डिंग ये बैग अपना बुक करवा लूँ, ये करवाना ज़रूरी है। उसके बाद अंदर जाके देखूँगा अगर कोई चीज़ खुली हुई, कोई रेस्टोरेंट मेरा नहीं ख्याल खुला होगा। फिर लिस्बन जाके, लिस्बन एयरपोर्ट पर पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं, फिर घर जाके कुछ खाना पड़ेगा। किस्म की इन्होंने चे वाली हरकत की, मेरे साथ काउंटर इन्होंने ओपन नहीं किए और कहते हैं जी हाँ बोर्डिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, जहाज़ जाने वाला था, अनाउंसमेंट मेरे नाम की हो रही है, और जी 45 यूरो फिर से पे करने पड़े इनको भाई। अभी लिस्बन तो पहुँच गया हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे गंदी तरीन फ्लाइट है और गंदा तरीन एक्सपीरियंस रहा है। पीछे देखें जी बैगेज, लोग खड़े हैं वो बंद है, इधर भी खड़े हैं, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, अभी तक मशीन ही नहीं ऑन की, और वहाँ पे कह रहे हैं जी वेट बैग का वेट कर रहे हैं हम लोग। इन्ना तो जलील मैं कभी पाकिस्तान के एयरपोर्ट आते नहीं हुए जिन्ना मैंने आज यूरोपियन एयरपोर्टा वाले ने करता भाई। बस हो गई भाई, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी तक ये बेल्ट ही नहीं चला जी। इनका बड़ा गंदा सिस्टम है, गौरी ने मुझे बोला कि वो मेरी फ्लाइट में, तो उसने कहा जी हम रैंडमली घूम के जो है ना वो बेल्ट जिस पे, ये लो जी ये पड़ा मेरा बैग, ये रहा तो ये वहाँ पे ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस, वहाँ पे जो लिखा हुआ जी 8 नंबर बेल्ट के ऊपर आएगा, और 8 नंबर बेल्ट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, और ये 10 नंबर पे से आके मिला, और वो भला करे उस गोरी का जिसने मुझे कह दिया भाई रैंडमली जाके पिक करो। अपने बैरी वालतों की फ़िज़ाओं में आके जी मज़ा आ गया भाई। पहुँच गया खैर खरीद से घर भाई जलील होके, अभी करना है रेस्ट मुझे। वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट आप लाजमी करना, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।